नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब एक नजर आज की खबरों की तरफ। ये खबर आजमगढ़ से है, जहां दिनांक 4 फरवरी 2020 को कस्बा लालगंज में आई बारात में दूल्हे को अभियुक्तगणों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 36/2020 धारा 302 भादवी थाना देवगांव आजमगढ़ बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। दौरान विवेचना के अंतर्गत अभियुक्तगण अमीर सोनकर उर्फ मुलायम सोनकर, पुत्र राजेंद्र सोनकर निवासी हनुमानगढ़ी लालगंज आजमगढ़ व कमर पुत्र हाजी सुहेल निवासी बनारपुर थाना देवगांव आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कुल 4 टीमें बनाई गई हैं। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभियुक्तगण लगातार फरार चल रहे हैं। अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया जा चुका है। इसी बीच ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगणों के परिजन तथा अन्य सगे संबंधी अभियुक्तों को गिरफ्तारी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा वादी पक्ष को लगातार धमकी दी जा रही। उक्त के क्रम में दिनांक 18 फरवरी 2020 को थाना स्थानीय पर प्रभारी निरीक्षक देवगांव विमलेश कुमार मौर्य द्वारा 10 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्तगण एक अनूप सोनकर, पुत्र राजेंद्र सोनकर निवासी हनुमानगढ़ी कटघर लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़ व मोहम्मद अख्तर, पुत्र मोहम्मद अकमल निवासी जमुड़ी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। फरार इनामिया अभियुक्त अमित सोनकर उर्फ मुलायम सोनकर, पुत्र राजेंद्र सोनकर निवासी हनुमानगढ़ी लालगंज आजमगढ़ व कमर पुत्र हाजी सुहेल निवासी बनारपुर थाना देवगांव आजमगढ़ के बारे में यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस को सूचना देता है तो उसे पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 10 लोगों के प्रति नामजद पुलिस ने FIR दर्ज कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को जेल भेज दिया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।